Hello students, I'm Charanjit Singh, a network expert, and today we are going to learn about classless interdomain routing, CIDR. When we had discussed in the earlier lectures that the routers started having problems when they were learning their routes from the adjacent routers. Wo jab learn karte hain routes, to wo sub entries apne पास स्टोर करके रख लेते हैं. इन दिस केस द राउटर्स स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विद द मेमोरी. हाउएवर दिस प्रॉब्लम वाज सॉर्टेड आउट व्हेन द क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग केम इन. अब क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग या सीआईडीआर क्या है? जब आईपी बैकबोन राउटर्स उनके अंदर एक रूट आता है किसी एक नेटवर्क एड्रेस के लिए, उसको हम क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग बोलते हैं. जो मेन राउटर्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक एंट्री होती है हर एक नेटवर्क के लिए, उसके साथ सबनेटिंग है. बैकबोन राउटर ओनली नीड्स टू नो द एंट्री ऑफ ईच नेटवर्क. तो उसको यह पता चलता है कि अगर उस नेटवर्क के लिए ट्रैफिक आ रहा है तो उसको नेक्स्ट उसको किस राउटर के पास पास ऑन करना है या किस पोर्ट पे उसको ट्रांसफर करना है. दिस इज एक्सेप्टेबल फॉर क्लास ए एंड क्लास बी नेटवर्क्स, क्योंकि क्लास ए नेटवर्क्स में सिर्फ 128 नेटवर्क्स होते हैं और क्लास बी में 16,384 नेटवर्क्स होते हैं. इफ यू कैलकुलेट दिस 2 टू द पावर 14, इट कम्स आउट टू बी 16,384 नेटवर्क्स. बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर क्लास सी नेटवर्क्स, क्योंकि क्लास सी नेटवर्क्स में जो द नंबर ऑफ नेटवर्क्स इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, 2 टू द पावर 21 translates into 2,097,152 class C networks. अगर इतने networks की routing information एक router रखेगा तो उसके पास memory नहीं रहेगी उसको store करने के लिए, और अगर हम memory improve कर देते हैं तो latency increase होगी, क्योंकि हर एक network को या हर एक packet को अगर उसको correct host के पास deliver करना है तो उसको routing table में हर एक entry को check करना पड़ेगा. तो हमारा लेटेंसी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा नेटवर्क स्लो हो जाएगा. इन 1993 द साइज ऑफ द राउटिंग टेबल स्टार्टेड टू आउटग्रो द कैपेसिटी ऑफ द राउटर्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द लेटेंसी. इन दिस रिगार्ड द क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग केम इन टू पिक्चर. इसमें क्लासेस बेस्ड, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, क्लासेस इंटरडोमेन राउटिंग में एक राउटिंग नेटवर्क का एक ही एंट्री राउटर में. इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो नेटवर्क प्रीफिक्स है वो कौन से स्लैश के बाद आता है और उसमें कितने होस्ट होते हैं. जैसे कि स्लैश 27 में 32 होस्ट होते हैं, या फिर स्लैश 19 में 8192 नोड्स होते हैं. तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि अगर इतने नोड्स का हम एड्रेस कर सकते हैं एक ही नेटवर्क से तो हमारा प्रॉब्लम कितना अच्छा सॉर्ट आउट हो. एक एग्जाम्पल लेके ये समझाएंगे. आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटरनेट बैकबोन राउटर है. इंटरनेट बैकबोन राउटर वो कनेक्टेड है आईएसपी ए से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ए, जिसके पास तीन नेटवर्क्स हैं, और ये आईएसपी ने फर्दर कंपनी बी को और आईएसपी सी को फर्दर बैंडविड्थ अलॉट की हुई है. तो इसका अगर हम देखें तो नेटवर्क बैकबोन राउटर में उस पर सिर्फ तीन एंट्रीज होंगी आईएसपी ए के लिए, वो होगा 206 नेटवर्क, 204 नेटवर्क और 209 नेटवर्क. इसका हम देखें तो आप देखिए कि इंटरनेट बैकबोन राउटर को कंपनी बी का या आईएसपी सी का कोई इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है. इंटरनेट बैकबोन राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आईएसपी ए का है, और उसमें से भी जो तीन नेटवर्क है उन्हीं का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो बैकबोन राउटर पे जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है 206, 204 या 209 नेटवर्क के लिए, तो वो पास ऑन कर देता है आईएसपी ए के राउटर को. अब आईएसपी ए के राउटर के पास जो इंफॉर्मेशन है वो कंपनी बी की इंफॉर्मेशन है और आईएसपी सी की इंफॉर्मेशन है. बट आईएसपी ए के पास जो ऑर्गेनाइजेशन सी वन एंड ऑर्गेनाइजेशन सी टू की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आती है आईएसपी ए के पास
और जो नेटवर्क्स जो कंपनी बी और ISP C को अलॉटेड है, तो वो रिस्पेक्टिव नेटवर्क्स की डेटा वो उनको कंपनी बी को ट्रांसफर कर देता है या ISP C को ट्रांसफर कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि जो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक राउटर के पास है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो इंटरनेट बैकबोन राउटर के पास सिर्फ ISP के ए की इंफॉर्मेशन रहेगी, ISP A के पास कंपनी बी और कंपनी सी ISP C की इंफॉर्मेशन रहेगी, और ISP C के पास ऑर्गेनाइजेशन C1 और C2 की इंफॉर्मेशन रहेगी। बाकी कोई इंफॉर्मेशन उनको रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो देयर नेक्स्ट हॉप इज नेटवर्क बेस्ड। तो ISP A का इंफॉर्मेशन जो कंपनी बी का IP है वहां पे ट्रांसफर कर देता है, और ISP A ही जो इंफॉर्मेशन ISP C के लिए है वहां ट्रांसफर कर देता है। तो बाकी जो राउटर ISP C का है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन C1 के लिए और ऑर्गेनाइजेशन C2 के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन उसको ट्रांसफर कर देता है। एक और जो प्रॉब्लम हमने नोटिफाई की थी वो था कि 32-बिट एड्रेसिंग स्कीम जो है उसके सिर्फ 4 बिलियन नेटवर्क एड्रेसेस हैं। 4 बिलियन नेटवर्क एड्रेसेस अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो हमें एक सॉल्यूशन लेना था कि जो हम और नेटवर्क डिवाइसेस को एड्रेस कर सके। उसका सॉल्यूशन आया इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का जो IP एड्रेस है वो 128-बिट IP एड्रेस है, तो इसमें द नंबर ऑफ IPs इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इट इज द सक्सेसर ऑफ करंटली यूज्ड IPv4 जिसका 32-बिट एड्रेस है। द स्पेसिफिकेशंस फॉर दिस वर कंप्लीटेड इन 1994। IPv6 मेक्स अ नंबर ऑफ इंप्रूवमेंट्स टू IPv4। देर आर नो रेवोल्यूशनरी चेंजेस, लेकिन कुछ चेंजेस हैं कि हमारे नेटवर्क एड्रेसेस और होस्ट एड्रेसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। जो एक मेन फीचर है IPv6 में विच इज सिग्निफिकेंट हियर इज दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द IP एड्रेसेस, बिकॉज द बिट लेंथ इज 128 बिट्स rather than the 32 bit which is there for the IPv4. This resolves the problem of IP addressing. For now, we may have some more options coming in which will be dealt with later. ये स्लाइड है जो IPv6 हेडर है उसका किस तरीके से वो काम करता है वो दर्शाया गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, वो है डोमेन नेमिंग सिस्टम। डोमेन नेमिंग सिस्टम इट वॉज क्रिएटेड इन 1983 बाई मिस्टर पॉल मकोपेट्रिस। वॉट इंटरनेट यूजर्स यूज फॉर रेफरेंसिंग एनीथिंग विच इज ऑन द इंटरनेट, तो वो दो चीजें यूज करते हैं। या तो एक नाम होता है जिसको वेबसाइट नेम बोलते हैं, या फिर उसका IP एड्रेस होता है। तो वो क्या चीज है इंटरनेट के ऊपर जो हमें करेक्ट एड्रेस पे लेके जाती है? या हमें सिर्फ एक नाम पता है या एक IP एड्रेस पता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक डोमेन नेमिंग सिस्टम होता है। और डोमेन नेमिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है जिसके पास सब डोमेन्स के नाम होते हैं अवेलेबल, या तो उसके अपने कैशे में वो नाम होते हैं, या अपने स्टोरेज में नाम होते हैं, या वो उनको लुकअप कर सकता है जो एडजेसेंट डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं वहां से वो उनका नाम ले सकता है। तो लुकअप मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलेटिंग दीज ऑब्जेक्ट्स इन टू द होस्ट जहां पे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो डोमेन नेम सर्वर हमें सहायता करता है। डोमेन नेम सिस्टम इज अ ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड लूजली कोहेरेंट स्केलेबल रिलायबल एंड डायनेमिक डेटाबेस विच इज अवेलेबल विद द डोमेन नेमिंग सिस्टम सर्वर्स। तो डोमेन नेम सिस्टम किस चीज से कंप्राइज होता है? इट कंप्राइजेस ऑफ 3 components। एक नेम स्पेस होती है, एक सर्वर जिसमें सब डोमेन नेम्स अवेलेबल होते हैं, और तीसरा है रिजॉल्वर्स। दीज आर एक्चुअली द क्लाइंट्स जो क्वेरी भेजते हैं डोमेन नेम सर्वर को, और वहां से जो रिप्लाई आता है वो यूज करके दे गो टू द साइट टू विच दे इंटेंड टू। अब डोमेन नेम स्पेस के ऊपर आते हैं। डोमेन नेम स्पेस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द DNS डेटाबेस। इट इज एन इन्वर्टेड ट्री विद द रूट नोड एट द टॉप। तो टॉप में अगर आप देखेंगे तो रूट नोड है, उसके बाद टॉप लेवल डोमेन नेम्स हैं, एंड फर्दर दे कीप ब्रांचिंग इनटू अदर नेम्स विच कैन बी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स सो दैट दे कैन गिव इंफॉर्मेशन टू हूएवर रिक्वायर्स इट। तो
each node has a label. The root node has a null label, which is written in two inverted commas, which is shown at the top. अब इसको अगर एनालॉजी देखें एक अपने टेलीफोन सिस्टम से, तो आप देखेंगे एक प्लस साइन आता है हमारे टेलीफोन के ऊपर और उसके बाद 91 आता है. प्लस कैन गिव एन एनालॉजी ऑफ द रूट. 91 इज द कंट्री कोड विच गिव्स द एनालॉजी टू द टॉप लेवल डोमेन्स, एंड आफ्टर दैट 11 गिव्स द एनालॉजी टू द फर्दर सब डिविजन्स. 11 कोड जैसे दिल्ली का है, तो ये जो कोड है वो दैट गिव्स इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज द डोमेन नेमिंग इज कंसर्न्ड. देन इट कम्स टू द फाइनल वन टेलीफोन, जैसे 2569 जो आता है, ये एक एक्सचेंज है दिल्ली की, तो इट रिजॉल्व्स इनटू अ स्मॉलर एरिया एंड 1234 मे बी अ होस्ट जहां से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. तो ये पूरा प्लस से लेके 4 तक, 1234 तक एक पूरा टेलीफोन नंबर हो जाता है जिससे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को. इसी तरीके से इन द डोमेन नेमिंग सिस्टम 2 इन्वर्टेड कॉमा इज फ्रॉम द रूट, एंड फाइनली व्हेन अ फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम इज देयर, वी कैन रीच अ होस्ट जहां से हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है. अ डोमेन नेम इज द सीक्वेंस ऑफ द लेबल फ्रॉम अ नोड टू द रूट सेपरेटेड विद डॉट्स. तो हर एक नाम के पीछे हमें abc.in का एक डोमेन नेम हो गया है, तो ये मतलब हो गया एक एबीसी कंपनी है जो इंडिया में है और उसका एक डोमेन नेम है abc.in. इन दिस केस अगर हम इसको और सब डिवाइड करने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं वो है जैसे .com है, .edu है. .com इज यूज जनरली फॉर द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, edu इज यूज फॉर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस. तो इसका फिर डोमेन नेम हो जाएगा abc.com.in. तो ये इंडिया में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है abc, जिसका डोमेन नेम है abc.com.in. इन दैट वी हैव सब डोमेन्स ऑल्सो. वन डोमेन इज अ सब डोमेन ऑफ एनदर इफ इट्स एपेक्स नोड इज अ डिसेंडेंट ऑफ द अदर्स एपेक्स नोड. इन अदर वर्ड्स, वन डोमेन इज अ सब डोमेन ऑफ एनदर इफ द डोमेन नेम एंड्स इन द अदर्स डोमेन नेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट एबीसी कंपनी की है, तो सेल्स डॉट एबीसी डॉट कॉम. दैट मीन्स इफ यू स्टार्ट ब्रेकिंग दिस डाउन, डॉट कॉम मीन्स इट इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एबीसी इज द ऑर्गेनाइजेशन इट सेल्फ, एंड सेल्स गिव्स द सब डिविजन ऑफ दैट एबीसी ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें इसके जो सब डोमेन हो जाएंगे, सेल्स जो है वो abc.com का सब डोमेन है और एबीसी जो है वो .com का सब डोमेन है. इन दिस केस नाउ इसका क्वेरी सिस्टम कैसे होता है. जब भी हम एक इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हम एक डीएनएस क्वेरी जनरेट करते हैं. वो डीएनएस क्वेरी डीएनएस सर्वर के पास जाता है, डीएनएस सर्वर उसका एक रिस्पॉन्स देता है यूजर को, और वो रिस्पॉन्स यूज करके जो यूजर कंप्यूटर है वो इंटरनेट पे जाता है, जो क्लाउड जिसको हम बोलते हैं, और उस क्लाउड के पास हमारा जो वेब सर्वर का एड्रेस होता है, और वेब सर्वर से हमारे पास वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर. तो अगर आप देखें इस डायग्राम को, तो एक डीएनएस क्वेरी जनरेट होता है, डीएनएस का रिस्पॉन्स आता है, वो क्वेरी का रिस्पॉन्स आता है, और जैसे क्वेरी का रिस्पॉन्स आता है वो हमारा कंप्यूटर उसको इंटरनेट पे भेज देता है. इंटरनेट नोज वेयर दैट पर्टिकुलर सर्वर, वेब सर्वर लाइज. फ्रॉम दैट वेब सर्वर, वंस अ क्वेरी इज गिवन टू दैट वेब सर्वर, इट गिव्स द पेज बैक टू आवर सिस्टम. दैट इज हाउ द पेजेस आर डिस्प्लेस्ड ऑन आवर कंप्यूटर्स. अब जो डोमेन नेम सिस्टम लुकिंग है, वो इट कैन बी अ फॉरवर्ड लुकिंग और अ रिवर्स लुकिंग. तो फॉरवर्ड लुकअप टेबल जो होता है, वो हमें साइट का एड्रेस पता है और हम उसका आईपी एड्रेस ढूंढते हैं. जैसे हम एक वेबसाइट का नाम डालते हैं अपने वेब ब्राउजर में, तो वही वेबसाइट का नाम डीएनएस सर्वर के पास जाता है, डीएनएस सर्वर उसका आईपी एड्रेस देता है, वो आईपी एड्रेस लेके हमारा कंप्यूटर इंटरनेट पे जाता है, और इंटरनेट पे वो
इंफॉर्मेशन ढूंढता है कि वो आईपी एड्रेस किसका है। वो आईपी एड्रेस फाइनली वेब सर्वर का होता है, तो वेब सर्वर से हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करके वेब पेज रिट्रीव करते हैं और वो वेब पेज हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाता है। इन द नेक्स्ट वन वेयर रिवर्स लुकअप इज इन्वॉल्वड, दिस इज व्हेन वी हैव द आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम एंड वी वांट टू नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट। तो इसमें भी डीएनएस सर्वर हमारी हेल्प करता है। जैसे ही हम वेब ब्राउजर में एक आईपी एड्रेस डालते हैं, वो आईपी एड्रेस जाता है डोमेन नेम सर्वर के पास। डोमेन नेम सर्वर उस आईपी एड्रेस का हमें इंटीमेशन देता है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो abc.com वेबसाइट का आईपी एड्रेस है और ये नाम है। और वो नाम लेके जब हम उसको इंटरनेट पर डालते हैं तो वो उस नाम के साथ जो सर्वर जुड़ा होता है वेब सर्वर, उस वेब सर्वर के पास जाता है, वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। और वेब सर्वर क्यों, इट कैन बी एनी सर्वर विच इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इट कुड बी अ वेब सर्वर, इट कुड बी एन एफटीपी सर्वर, इट कुड बी अ सर्विस प्रोवाइडर, एनीथिंग। और वो सर्विस हमारे को मिल जाती है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी कम टू द हायरार्किकल नेम स्पेस। अब डीएनएस स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड। The DNS imposes no constraint on how the DNS hierarchy is to be implemented. It could be a single root and it could have label restrictions. If the site is not connected to the internet, it can use domain hierarchy it chooses. मतलब अगर आप एक private network पे काम कर रहे हैं तो आप जो भी domain hierarchy choose करना चाहें वो आप choose कर सकते हैं। या तो आप single root choose कर सकते हैं या आप label restrictions use कर सकते हैं। And connecting to the internet, it implies that the use of existing DNS hierarchy is to be used. जो हमारा OSI model ने जो implement किए हैं, hierarchy implement की है, वो हमें respect करनी पड़ेगी और वही हमें throughout use करनी पड़ेगी. In hierarchical namespace, the DNS used in the internet are the root and the top domains, जहाँ पे inverse domains भी हैं, generic domains भी हैं और country domains भी हैं. अब हम इन डोमेन्स को इंडिपेंडेंटली अगर देखें तो अगर आप देखेंगे कि ये जेनरिक डोमेन्स हैं, इसमें .com है, .edu है, .biz है, तो ये जो है दीज आर कॉल्ड द टॉप लेवल डोमेन्स जो रूट के अंडर आते हैं। और अगर हमें कोई भी इंटरनेट की साइट अप्रोच करनी है तो हमें इन जेनरिक डोमेन नेम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन द अदर्स वी हैव कंट्री domain names. In country domain names, we have like .in, .au for Australia, .in for India, .uk for London, for United Kingdom. We have got .us for US. तो इनके लिए जो domain names हैं, वो country decide करती है और उनको हम country domains बोलते हैं. In the inverse domain names, this is when we have the reverse DNS coming into play. यहाँ पे हमारे पास IP address है और हमें नाम चाहिए उस वेबसाइट का जिसको हम अप्रोच करना चाहते हैं। तो इसमें हम इनवर्स डोमेन्स यूज करते हैं। इसका है कि इट्स arp.inverse. तो इनवर्स डोमेन नेम्स वी यूज फॉर चेंजिंग द आईपी एड्रेसेस टू डोमेन नेम्स। ये हम दोबारा एक हायरार्की डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक रूट सर्वर होता है, फिर टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं एंड फाइनली इट कम्स डाउन टू इंडिविजुअल्स। जैसे अगर हम देखें एक एग्जाम्पल, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का, इट इज रजिस्टर्ड विद द एडु सर्वर बिकॉज इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड विद द रूट सर्वर। तो हमारा पूरा जो है इट इज uou.edu हो जाएगा इसका जो डोमेन नेम होगा। और इसका हमें अगर इसको अप्रोच करना है तो वेब ब्राउजर में हम uou.eduserver लिखेंगे एंड विल रीच द वेबसाइट ऑफ द उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इस लेक्चर में हमने देखा कि CIDR कैसे होता है, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग कैसे होती है, उसके बाद हमने डोमेन नेम सिस्टम देखा एंड फाइनली वी केम अप टू द हायरार्किकल नेम स्पेस एंड दिस इज वेयर वी एंड दिस लेक्चर। थैंक यू।